बादल यूं गरजता है। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। अब के सावन में डरे रिम जिम तन पे पानी गिरे, बारिश हो चाय हो और पकौड़ों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। बारिश चाय और पकौड़ों के बीच में जो रोमांस है वो आप क्या समझोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लिव योर लाइफ। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बनने जा रहे हैं प्याज के पकौड़े। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज को छील लिया है और मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और सबसे पहले प्याज को ऐसे रखेंगे और सेंटर से कट आपने लगाना है। इसको हम अब ऐसे नहीं कट करेंगे, इसको ऐसे ही कट करेंगे, इस तरफ से बारीक बारीक कट करना है, मोटे नहीं होने चाहिए। अब हमें इसे से अलग अलग ऐसे करना है प्याज को। अब इसी के साथ हरी मिर्ची वो भी काट लेते हैं। हमारी हरी मिर्ची कट गई है। अब एक लेंगे बाउल, बाउल में डालेंगे ये प्याज सारे। साथ में ये हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इसको अच्छी से ऐसे मसलना है ताकि प्याज जो है अच्छी से खिल जाए, प्रॉपरली अलग अलग हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक और मिर्ची और इसे अच्छी से मिक्स करेंगे। एक कोटिंग हो जाएगी नमक और मिर्ची की प्याज के ऊपर। अभी इसको साइड पे रखते हैं और ऑयल गर्म करने के लिए रखते हैं पकौड़े तलने के लिए। तो हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है, ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम अपना जो पकौड़े का बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। तो हमारा जो प्याज वाला बैटर है उसी में हम ऐड करेंगे हल्दी थोड़ी सी और बेसन। बेसन को एकदम से नहीं डालेंगे, अभी इसमें हमने पानी नहीं डालना, बाकी का सारा बेसन इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जैसे
एक चम्मच के करीब, सिर्फ उसको बाइंड करने के लिए बैटर को। डेढ़ चम्मच के करीब पानी इसमें हमने ऐड कर लिया है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर बहुत हार्ड है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा बैटर जो है वो रेडी है, और इधर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो रहा है। अभी ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बैटर। पॉइंट पे जो आपका फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, मीडियम टू लो रख सकते हैं, थोड़ा क्रिस्पी और हो जाते हैं आपके पकौड़े जो बनेंगे ना, वो क्रिस्पी बनेंगे मीडियम टू लो पे। तो जब भी आपने पकौड़े का बैटर ऑयल में डालना है तो उसको एक शेप नहीं देनी, रैंडमली आपने उसमें डालना है तो हमारे जो भजिए हैं वो अच्छे से बनेंगे, उसकी शेप आएगी जो प्रॉपर प्याज के पकौड़े होते हैं ना उनकी। अदरवाइज वो एक गोल गोल शेप ले लेंगे तो वो अंदर से थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट सौगी सौगी रहेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, और क्रिस्पी क्रिस्पी जब तक नहीं हो जाते हमारे पकौड़े। थोड़े से शेप नहीं ले लेते ना, आपने इसको चलाना नहीं है, अदरवाइज वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। जब तक ये थोड़े हार्ड नहीं हो जाएंगे नीचे से, तब तक आपने इसको नहीं हिलाना नहीं है, और अदरवाइज आपका जो बैटर है वो बिखर जाएगा सारा। खाने हैं।